नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे आरक्षण की चिट्ठी। यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल एस के बीच अब तनातनी देखने को मिल रही है। मामला नौकरी को लेकर है। इन दिनों रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ उलझा उलझा सा है, और ऐसे में खुद के ही दल की पार्टी जब सवाल खड़ा करना शुरू कर दे तो चिंगारी उठना लाजमी है। दरअसल बता दें कि इन दिनों एनडीए की सहयोगी दल यानी कि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी पर सियासत काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वह योग्य नहीं है, और बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। वहीं पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भाजपा गठबंधन में एक सांसद वाली नेता व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जिनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनके उठाए सवाल पर यूपी सरकार ने भी बिंदवार जवाब दिया। योगी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया। योगी सरकार ने अनुप्रिया पटेल के आरोपों को नकार दिया। दरअसल अपना दल एस नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में कहा था कि इंटरव्यू से होने वाली सीधी भर्तियों में ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता। चिट्ठी में लिखा है कि साक्षात्कार से नियुक्त होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी एससी एसटी के पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि ओबीसी एससी एसटी के पदों को उन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। हालांकि अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी को लेकर ओबीसी एससी और एसटी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, और माना जा रहा है कि ओबीसी यानी कि पटेल वोट बैंक साधने और उन पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए ही अनुप्रिया पटेल ने सीधी भर्ती में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। और इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल कई दूसरी भर्तियों में भी आरक्षण के मुद्दे को उठाती रही हैं। वहीं यूपी में ओबीसी समाज की नियुक्ति को लेकर के एनडीए में भी सवाल उठने लगे हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल यही हो जाता है कि एनडीए की सहयोगी दल अपना दल के खुद के पार्टी में इस तरह के सवाल खड़े कर देना सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता नजर आ रहा है। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं लगातार कि अनुप्रिया पटेल ने किस तरह के सवाल उठाए हैं, किस तरह की मांगे की हैं, और इसी के साथ ही साथ अनुप्रिया की चिट्ठी से एक सियासत तो तेज हुई ही है, लेकिन चिंगारी जो उठती नजर आ रही है वो देखी जा रही है। अब इन दोनों ही दलों के बीच के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर देखा जा रहा है कि आरक्षण की मांग की है, और आरक्षण की मांग को लेकर के साक्षात्कार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है। और इसी के साथ ही साथ श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। श्वेता जी, जिस तरह से सवाल अब आप ही के पार्टी की जो सहयोगी दल है अपना दल एस ने उठाना शुरू कर दिया है, इंटरव्यू में साक्षात्कार को देखा जा रहा है कि इंटरव्यू में जो अनदेखी की जा रही है दलितों और पिछड़ों को लेकर के, एक तरह से अनदेखी की बात तो अनुप्रिया पटेल कर ही रही है लेकिन सरकार पर भी सवाल खड़े करती नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है, पूरी जो उनका पत्र गया है उस पर योगी सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है, और बकायदा पूरा जो जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे उसका जो जो संस्थाएं इस तरह की नियुक्ति कर रही हैं उनसे जानकारी ली गई है, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। उनको पत्र के द्वारा उनके जो उठाए गए प्रश्न हैं उनका जवाब दे दिया गया है। मैं उनको यहाँ पर भी बताना चाहूंगी ताकि ये जो एक भ्रम फैल रहा है वो दूर हो सके और बात जो स्थिति है वो स्पष्ट पता चल सके। देखिए, कहीं भी साक्षात्कार प्रक्रिया जो है वो इस तरह होती है, जहां पहली बात तो जो
पैसे होती है व्यक्तिगत यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो वहां वैसे ही होती है, और जहां जहां जैसे सीधे साक्षात्कार प्रक्रिया से भर्ती हो रही है तो उनसे ये पूरी जानकारी ली गई है। तो इस संबंध में मैं पूरा ही आपको पढ़ के समझा देती हूँ कि सीधी भर्ती चयन हेतु मुख्य मुख्य संस्थाएं जहां सीधे साक्षात्कार से नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है स्थिति ज्ञात की गई है। तत्क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये बताया गया है कि जो साक्षात्कार और जो प्रक्रिया होती है उसमें साक्षात एक परिषद होता है, उसमें डायरेक्ट जो है अंक प्रदान करने की कोई भी वो नहीं है। ये उच्च कोटि की मानक गुणधर्मिता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जाती है, और इसके लिए क्या किया जाता है, पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया जो है वो कोडिंग पर आधारित होती है, जिसमें अभ्यर्थियों का नाम, क्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या और आरक्षण श्रेणी एवं आयु को ढक दिया जाता है। इस प्रकार अभ्यर्थी का जो व्यक्तिगत विवरण होता है वो साक्षात्कार परिषद के समक्ष नहीं होता है। साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु साक्षात्कार परिषद द्वि सदस्यीय होती है और प्रथम और द्वितीय सत्र में अलग अलग साक्षात्कारकर्ता होता है, और उसमें कहीं भी अंक प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, उनको ग्रेड प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, आयोग की ओर से ग्रेडिंग मार्क की बात कही गई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अनुप्रिया पटेल की जो चिट्ठी लिखी गई है सरकार को लेकर के, तो इस चिट्ठी के असल मायने क्या है? आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने ये चिट्ठी लिखी, और एक तरफ पर देखा जा रहा है कि सियासत तो तेज हो गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार आरक्षण को लेकर के मुद्दे उठाता रहा है, दलित ओबीसी और एससी एसटी को लेकर के भी, रोजगार को लेकर के भी मुद्दे उठाता रहा है, तो क्या लगता है कि एक मौका दे दिया है अनुप्रिया पटेल ने आपको? जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो जितने भी घटक दल हैं, उन सभी भारतीय जनता पार्टी जितने भी घटक दल हैं, उन सभी को पता चल गया कि हवा किस तरफ चल रही है। तो जिस तरफ हवा चलती है वो लोग उन्हीं के पास रहते हैं। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी तो योगी जी ने इन 7 सालों में दिया नहीं, लेकिन परीक्षा लीक करा के दिखा दिया कि बच्चों का उत्पीड़न करके उन्होंने दिखा दिया कि बच्चे एग्जाम ना दें और अपने घर पर बैठे, वो कहीं किसानी चाहे लेबर वर्क का काम करें, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। आरक्षण पे बात करूं तो आरक्षण विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है ही है, ऊपर से नीचे तक जितने भी मंत्री बनाते दिखाने के लिए बनाते, जो भी काम ये करते हैं राजनीति से प्रेरित होकर काम करते हैं। भारत रत्न या चाहे वो राष्ट्रपति को बनाया, तो ये जो भी काम करते हैं राजनीति से उत्प्रेरित होकर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। आनंद जी, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से साक्षात्कार को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने ये सवाल उठाया है अपनी ही सरकार में, अपनी ही पार्टी में, तो ये कोई पहली दफा नहीं है कि साक्षात्कार को लेकर के, एक आरक्षण को लेकर के बात कही जा रही हो। तमाम सरकारें आई और गई, मुद्दे वही रहे थे, और तब भी साक्षात्कार इसी तरह से ही होता रहा है। अरे अभी अनुप्रिया पटेल जी ने भी अगर एक बात उठाई है, तो इनके एक घटक दल संजय निषाद जी ने भी अभी क्या एक आरोप लगाया है कि अगर राणा सिंह को मंदिर के ट्रस्ट से नहीं हटाया गया तो मैं भाजपा से किनारा कस लूंगा। ये देखिए, सब ये जो भी काम करते हैं राजनीति से प्रेरित होकर लोग करते हैं, और जितने जनता से जितने वादे किए बीजेपी ने वो भी नहीं पूरे किए, और जितने भी घटक दल से भी इन्होंने वादा किया वो भी नहीं पूरा किया, तो असंतोष की भावना कहीं ना कहीं आ रही है, और इनके पास कोई उपाय नहीं है। बिखराव होना अंतरकला है, इनका बिखराव होना तय है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में सभी प्रदेशों में इनकी पराजय निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार जाएगी तो 30-40 सालों तक उनका आना मुश्किल है। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, जिस तरह से सवाल अनुप्रिया पटेल ने उठाया है अपने ही दल में, बात इस पर ही कर रहे थे कि आरक्षण को लेकर के ओबीसी एससी एसटी और जिस तरह से दलित जो भी
अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के भी बात सामने आ रही थी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि साक्षात्कार में भी आरक्षण मिलना चाहिए, इनको छूट नहीं दी जाती, और खास तौर पर अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपको साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक मौका नहीं दिया जाएगा, जिसकी मांग अनुप्रिया पटेल करती नजर आई थी। मायने क्या है, क्योंकि नॉट फॉर सुटेबल कहा जा रहा है। लोक सेवा आयोग की ओर से एक नियमावली भी जारी होती है और इस नियमावली के तहत ही साक्षात्कार होता है, तो ऐसे में सवाल खड़े कर देना क्या मायने निकाले जाए इसके। मुझसे पूछ रहे? जी बिल्कुल। देखिए, ये अनुप्रिया जी की जो चिट्ठी है इसका मतलब ये है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस बार हुए चुनावों को भली बात पढ़ लिया है, तो भविष्य की कोई रणनीति बना रहे हैं। अगर ये वाकई ओबीसी और दलितों के ये चिंतित होती नौकरी के बारे में, तो पहला सवाल ये उठाती इस पूरे प्रदेश में अधिकांश नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों दी जा रही, निविदा पर क्यों दी जा रही, पूरे डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, जो लोग रिटायर हो जाते या उन्हीं को औने पौने रख लेते और या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर ठेके दिए जाते हैं नौकरी रखने। और मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि जिन लोगों को ठेका दिया जाता है कि आप चार ये कर्मचारी रखे, चार ये रखे, वो बाकायदा उसका कमीशन लेते हैं, जबकि वो कमीशन उनको गवर्नमेंट से मिलना है। कमीशन क्या, एक रेट तय करते हैं और वो रेट एक लाख से लेकर 3 लाख तक अलग अलग पदों के हिसाब से होता है और ये ओपन हो रहा है, वो इसमें ऐसा नहीं कि अनुप्रिया पटेल को नहीं मालूम होगा। अनुप्रिया पटेल इसी देश प्रदेश में रहती, यही की वासिंदा, सब जानती अच्छी तरह से। रही बात इनकी कि नियुक्तियों में उनको ओबीसी के पद जो है उनको बाद में जनरल को दे देते, इस तरह की गलत बातें होती होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर हो रहा है तो वो भी आपकी सरकार में हो रहा है ना, तो आप उनको चिट्ठी क्या लिख रहे, प्रधानमंत्री से कहिए ना कि मुख्यमंत्री को कहिए ये सब गलत है, और जनरल लेटर मत लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए कि फला फला नाम का व्यक्ति जिसने परीक्षा दी, जिसका इंटरव्यू हुआ और ये कह करके उसको मना कर दिया गया कि भाई आप क्वालिफाई नहीं करते, ये पोस्ट दूसरी जगह चली गई। अरे तो बड़ी साफ बात है ना, ये कहना, एक जनरल स्टेटमेंट देना कि ऐसा होता है, ये सिर्फ ये दर्शाना है अपने वर्ग में कि देखियो मैं तुम लोगों की कितनी चिंता कर रहे हैं, जबकि खुद अनुप्रिया पटेल जिस मंत्रालय में है वहां भी यही सब हो रहा होगा, इन लोगों के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ये स्थिति इधर 10 साल में हो गई है, तो मुझे लगता है कि इनकी चिट्ठी का सिर्फ राजनीतिक मायने में निकाला जाए, इनकी चिट्ठी के आधार पर ओबीसी या दलित जो भी लोग हैं उनको कोई ये गलत फहमी नहीं पड़ना चाहिए कि मैडम उनके प्रति बड़ी सजग हो गई है, उनके लिए कुछ करने वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और इस पर विचार भी करना चाहिए अनुप्रिया पटेल को ही, और साथ में ही अपने दल में बैठ करके, सहयोगी दल एनडीए में बैठ करके एक मंथन भी करना चाहिए। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से है, और चंद्र प्रकाश बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह ये हमारे जो राजनेता हैं ये अपनी चलाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। जैसे अभी ये शख्स कह रहे थे कि अनुप्रिया पटेल जो है अपनी राजनीति करती है, राजनीति तो हर एक नेता कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मनोज झा जो आरजेडी के सांसद है, जब ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिल रहा था 10%, तो सबसे ज्यादा उनके पेट में मरोड़ उठे और पेट में दर्द हुआ उनके, और उन्होंने खिलाफत करी कि ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? ब्राह्मणों से आप वोट लेना जानते हैं, पर ब्राह्मणों का आप क्यों उत्पीड़न कर रहे हैं? जब 10% मिल रहा था तो आप लोगों ने वहां
जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लालू प्रसाद यादव की लड़की मीसा भारती, जो जिसको डॉक्टरी का डे तक बोलना नहीं आता, वो डॉक्टर का पद लेकर के बैठी है, डॉक्टर बनी बैठी है, जिसको 40 दवाइयां लिखने के लिए जरूरत पड़ जाए तो उसको एक दवाई का पता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का जो रिजर्वेशन का खिलाफत करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये गलत बात है, बिल्कुल ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या क्या बिगाड़ा है किसी को? एक समाज है जो बेचारे गरीब आदमी है, आप जो है इनको मुसलमानों को आप सब कुछ देते हो, उनको मौलवियों को 20,000 रुपए आप तनख्वाह देते हो, एक ब्राह्मण बेचारा गरीब आदमी तिलक लगा करके गुजारा कर रहा है, अगर उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये गलत बात है। बिल्कुल चंद्र प्रकाश। और सुरेश अवस्थी कानपुर से, सुरेश अपनी राय दीजिए। तो तमाम दर्शक अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इसी के साथ ही साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जिन्होंने बड़ी 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 बातें कही, प्रमुख बातें कही, अहम बातें कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण क्यों नहीं, ब्राह्मणों को लेकर के विचार क्यों नहीं किया जाता, ओबीसी एससी एसटी दलित को ध्यान में रखा जाता है लेकिन ब्राह्मणों को किनारे क्यों कर दिया जाता है। श्वेता जी आपसे सवाल है, ये दर्शक आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारी ही पार्टी लाई है और ये जो पिछड़ों का और सबका साथ देने वाले हैं सपा, इनको जब कुछ भी लाभ देना होता है तो एक परिवार ध्यान आता है। आप मुझे बताइए नेता प्रतिपक्ष जिनसे इन्होंने वोट लिए उनको नहीं बनाया जा सकता था? सिर्फ अखिलेश यादव जी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे? और अगर यादव समाज का उद्धार करना है तो बस उसी परिवार में से दिखाई पड़ेगा। ये दूसरों को कह रहे हैं लेकिन ये अपने बारे में बता रहे हैं, इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। देखिए आरक्षण में एक ये होना चाहिए आर्थिक आधार पे, क्योंकि हर जाति वर्ग में जिनकी कहना चाहिए कि वो उनकी वो कम है, जो निर्धन लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो शिक्षा का स्तर उनका जो है वो बढ़ सके और वो भी सामान्य उसमें भाग ले सके। इसलिए जो आपके दर्शक ने कहा उनका भी कहना बहुत हद तक सही है लेकिन इसका विरोध इन सब ने किया है जैसा कि उन्होंने भी बताया और ये पूर्व में हो चुका है। ठीक है श्वेता जी। सुरेंद्र जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओबीसी एससी एसटी और दलित को लेकर के आरक्षण को लेकर के सभी जो राजनीतिक दल हैं राजनीतिक घटक हैं सामने आ जाते हैं लेकिन जो लोक सेवा आयोग है वो साफ तौर पर कह रहा है कि नियमावली के आधार पर ही चयन किया जाता है तो ऐसे में जो व्यक्ति योग्य होगा उसी का चयन किया जाएगा तो फिर राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ जा रही है? ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर के पद पर चयन होना है और कोई एमबीबीएस बगैर किए किसी ने अप्लाई कर दिया तो क्या करें? नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं साहब इनको ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। इसी आधार पर देखिए एक बार इनके भीष्म पितामह नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रोन्नत में भी आरक्षण दे दिया था तो पता ये चला कि जो आपका जेई था उस प्रोन्नत में वो आपका अक्सर और कितना ह्यूमिलेटिंग पोजीशन में लोग थे। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। मुझे लगता है देखिये जो लोग पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी पढ़ाई लिखाई में आप अधिक ध्यान दें, उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करें, उनके लिए फ्री मकान दें, उनके लिए पढ़ाई किताबें ये सब दे और ये दिया जाता आसन बहुत समय से दिया जाए और चूंकि वो पिछड़ापन सैकड़ों साल का है उसको कवर होने में भी 100-200 साल लगे। वो किसी नेता जी के कह देने से पिछड़े या दलित एकदम से आगे नहीं आ जाएंगे क्योंकि पहले सामाजिक चेतना चाहिए, समाज बदलते बदलते टाइम लगता है।
फिर जब चेतना बढ़े तो उसे लोग पढ़ना चाहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितने लोग आरक्षण के जरिए आगे आ जाते हैं वो अपने समाज में चेतना नहीं पैदा करते, वो दुबे मिश्रा और तिवारी के ही यहाँ सारा हिसाब किताब लगाते हैं कि पंडित जी से दोस्ती कर ली जाए। वो कोई ओबीसी का आदमी ये नहीं कोशिश कर, मैं हमारे तो देखे बहुत से आईएएस ऑफिसर दोस्त में उनसे कहता हूँ तो उनका भैया कि बड़ी मुश्किल से उठ के आए हैं, अब वहां हम क्यों जाएंगे, ये तो आप लोग करिए। तो हम लोग कर भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। मेरे एक बार एक दलित नेता से बात हो रही थी तो ब्राह्मण ब्राह्मण अपना चिल्लाया, सबने कहा नहीं आप निश्चित गालियां दीजिए और हम सैकड़ों साल से सुनते रहे फिर सुनेंगे, हमें मानते भी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ जातियां की नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने ये बताया कि बाबा साहब को ब्राह्मण ने ही बाबा साहब बनाया? क्या आपने बताया कि सावित्रीबाई फुले को ब्राह्मण ने ही पढ़ाया लिखा आगे बढ़ाया? अगर आप इसका भी प्रचार करते तो हम लोग और उत्साहित होते। यहाँ तो मैं जिस जगह बैठ जाओ वो चाहे दलित मिल जाए चाहे एससी का मिल जाए उसका एकमात्र निशाना ब्राह्मण, इसके बावजूद हम समाज में उसके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं रखते हैं और मानते हैं कि नहीं पिछड़े लोगों को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन जो मूल विषय था हमारे अनुप्रिया की चिट्ठी का, वो चिट्ठी चलाने से काम नहीं होगा, वो आरक्षण अपने घर पर ही दिए हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी वो है या उनके पति है। और बताइए कितने जातवादी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले ले, तो आप दूसरे को पड़ोसी के घर में साधु पैदा हो जाए ये व्यवस्था करना चाहते हैं, और हमारा बेटा जो थानेदार रहे माल मलाई खाता रहे। लेकिन ठीक है समाज है, मैंने कहा ना सैकड़ों साल में अगर बिगड़ा है तो उसको सुधारने में भी 100-200 साल लगेंगे। और मैं हमेशा जो सवर्ण से कहता हूँ कि नहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज का वर्ग है उसकी आप मदद करें, और मुझे लगता है करते भी है। ये बात अलग है कि गरियाए हम ही जानते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं सर, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी कानपुर से हैं, सुरेश अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? सुरेश से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। गिरीश शुक्ला लुधियाना से हमारे साथ हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से हमारे साथ हैं। गिरीश क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10% आरक्षण हम ही ने करवाया, हमारे पास सबूत रखे हैं। इसमें सवर्ण आयोग भी बनाने की बात थी जो भागवत साहब ने बनने नहीं दिया, और भागवत जी ने जब बनने नहीं दिया तो वो अधूरा काम पड़ा हुआ है। और जो ये लोग जांच पास की बातें करते हैं, मणिपुर पूरा जांच पास के कारण जल रहा है सालों से, वहां कोई भी हरियन लीडर या कोई भी बैकवर्ड लीडर जाके शांति स्थापित नहीं करवाया आज तक। और जो देश की दुर्दशा है वो जाति पात के कारण है, ना नौकरियां जात के हिसाब से पैदा होती हैं, ना देश में अवसर या जाति जो हमारे संसाधन है वो जातियों के हिसाब से नहीं बनते। आबादी धड़ाधड़ बढ़ाते चले जाओ, देश के सामने समस्या फैलते चले। ठीक है गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया। लुधियाना से दीपेंद्र हमारे साथ है, दीपेंद्र आपकी राय क्या है? हाँ ये मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ आज के जो मॉडर्न समाज है उसमें कहाँ है छुआछूत, कहाँ है हमारे पास जातिवाद। हाँ जिन जगह पे ऐसी चीजें निकल कर आती हैं वहां आप आरक्षण जरूर रखिए, और आरक्षण अब एक कैंसर के फोड़े की तरह बनता जा रहा है। आप ध्यान से देखिए हम किसके खेत से आया खाना खा रहे हैं, किस होटल में खा रहे हैं, कौन खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, हमें तो नहीं पता ना आज कहाँ है। ठीक है ठीक है भूपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपनी राय रखने के लिए। सुनील हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुनील अपनी राय रखें। जी मैं बरेली से सुनील शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि 75 वर्ष हमारी आजादी के ऊपर ने कोई तस्वीर बदली है, और आरक्षण जातिगत ही क्यों होता है? क्या ब्राह्मणों में ठाकुरों में वैश्यों में कांस्यों में कोई गरीब नहीं होते हैं? अनुप्रिया जी ने आज लिख दिया है कि जाति देखकर और वो जनरल में मर्ज कर दी जाती है, क्या अनुप्रिया पिछड़ी है? सुनील बहुत बहुत शुक्रिया आप अपनी राय रखने के लिए, राय साझा करने के लिए। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी
एक एक टिप्पणी सबसे लेना चाहूंगी। आनंद जी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के बात हो रही है, आपकी पार्टी लगातार आरक्षण को लेकर के मुद्दे उठाती रही है, हर बार देखा जाता है रोजगार को लेकर के आरक्षण पर आ जाते हैं, लेकिन अभी आप हमारे दर्शकों को भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर चीज में आप आरक्षण को क्यों लेकर चले आते हैं, जहां जरूरी है वहां पर आरक्षण लाइए। श्वेता जी ने कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार इनकी है, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी थे, इन्होंने आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं दिलवाया? और रही बात देखिए आरक्षण की, कहीं ना कहीं देश का अंतिम व्यक्ति जब तक एक साथ बैठ के खाने पीने उठने लायक ना हो जाए तब तक आरक्षण की प्रक्रिया चलती है, तो चलने दीजिए। आरक्षण खत्म करने का हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दो दो सामान्य सीटों पर दलितों को लड़ाने का काम किया, उन्होंने दिखाया कि हम सभी एक समान हैं, तो जो आरक्षण को लेके चलेगा, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का साथ देगा, उसी की विजय होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि क्या नाम है, जाति आधार पे ना होके आप क्या नाम, आर्थिक आधार पे, तो आर्थिक मैं नहीं कह रही हूं, मैंने ये नहीं कहा आर्थिक आधार पर ना हो, आप अपनी बात रखिए, आप मुझे क्यों बार-बार क्लेम कर रहे हैं, मैंने नहीं बोला ऐसा, आर्थिक आधार पे। आनंद जी, एक दर्शक ने आर्थिक आधार पर बोला था, एक दर्शक ने आर्थिक आधार का मुद्दा बनाया था कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाए, ना कि किसी जाति वर्ग को लेकर के आरक्षण दिया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है यूपी सरकार को, और इस चिट्ठी को लेकर के सियासत काफी गर्मा गई है, अब फिर से बात आरक्षण पर आ गई है।